रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं और मेंस में लेकिन क्वेश्चन आए हुए होते हैं, ठीक है ना, मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, इनकी यूज पर इनकी लिमिट है, एक मैक्सिमम लिमिट है, जो इनकी लिमिट लगती है कि आप इससे ज्यादा दूर नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसका रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन वो लगती है, कैसे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको लिंक करूंगा चीजें, इससे आपको समझ में आए, लेकिन एट द एंड आपको फार्मूला याद रखनी है क्योंकि लगने फिर वही, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि आपका जैसे ये लेंस है और पैरेलल रेज अगर गिरती है, ठीक है ना, पैरेलल रेज अगर गिर रही है इसको, इस तरीके की पैरेलल रेज गिर रही है, तो एक तरह से सिंगल स्लिट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, जिसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी, वैसा ही हो गया कि होल है बीच में, ठीक है, तो उस तरीके की सिचुएशन है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी रे आ रही है इस तरह की, और यहाँ पर जो फोकस हो रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ब्राइट सा छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, बहुत ब्राइट यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है, आपको वो भी एक ब्लर दिखता है कॉर्नर पे, क्यों, क्योंकि लाइट क्या होती है कि कुछ लाइट, ठीक है ना, कुछ लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट इन कॉर्नर से बेंडिंग होके भी पहुंच जाती है, ठीक है, तो वही है कि आपको जो एक पॉइंट इमेज नहीं दिखती बल्कि एक डिस्क इमेज दिखती है, तो रेडियस ऑफ दैट डिस्क इमेज आपको बिल्कुल याद रखनी है कितनी होती है, 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी, डी इज द डायमीटर ऑफ लेंस। और अपने केस में तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, कोई नियम यूज भी करेंगे आगे डेरिवेशन में, एनसीआरटी ने भी किया है, ठीक है, यहाँ पर अगर यू डिस्टेंस पे भी रख दोगे ना तो कहीं वी पर इमेज बनेगी लेंस से, तो वहां पर भी उसकी रेडियस भी आप ऐसे लिख सकते हो, 1.22 लेमडा वी अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल डी ध्यान रखना है इसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि हम इनको अब यूज करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में, वहां पर कैपिटल डी का मतलब 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, बट क्या है कि एससीबी ने शायद यही ले रखा होगा तो वही चल रहा है, ठीक है, ये डी कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ लेंस, एक आप लेंस का डायमीटर कैपिटल डी है और इनफाइनाइट से रेज आ रही है, ठीक है, तो जो फोकस पे बनने वाली डिस्क इमेज है उसकी रेडियस कितनी होती है, 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी उसकी रेडियस होती है, ठीक है, और अगर यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, वी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, तो रेडियस कितनी होती है, 1.22 लेमडा वी बाई कैपिटल डी। तो ये दो फार्मूले आप याद कर लिया, ठीक है ना, अब देखो कैसे लिमिट लगती है टेलीस्कोप पर। द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप इज डिटरमाइंड बाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, द स्टार्स विच आर नॉट रिजॉल्व इन द इमेज प्रोड्यूस बाई द ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी रिजॉल्व फर्दर, ठीक है, तो यही कह रहा है कि आपको अगर रिजॉल्विंग पावर देखनी है टेलीस्कोप की, तो आपको केवल ऑब्जेक्टिव आगे वाला जो है ना, जो ऑब्जेक्ट के ज्यादा क्लोज है, उसको एनालाइज करना, क्योंकि अगर उसने किसी दो पॉइंट की इमेज अलग अलग बनाई तो वो आपका आईपीस अपने आप उनको अलग अलग देख लेगा, वो किसी दो पॉइंट की इमेज एक साथ ओवरलैप कर रहा है तो फिर वो अपने आप से थोड़ी नहीं अलग कर सकता, ठीक है, तो जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप की दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, अब देखो क्या फंडा लिया है इसने कि कैसे देखें हम इसको, कि आपके दो पॉइंट सोर्सेज हैं बहुत दूर कहीं, ठीक है ना, मून के बराबर डिस्टेंस पर, सन के बराबर डिस्टेंस, ठीक है, आप टेलीस्कोप का आपका ऑब्जेक्टिव लेंस इनको देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फोकस पर इनकी इमेज बनती है, मान लो ये थीटा एंगल, इनको आपको देखो अलग अलग देखना है ना, तो अलग अलग अभी दो हैं और यहाँ पर थीटा एंगल बन, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का यही मतलब है बेटा कि आप कितने मिनिमम एंगल की चीजें अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है, क्यों, ये क्या होगा जब आप और दूर जाएंगे तो ये एंगल देखो सबटेंडेड और छोटा हो जाएगा ना, ये और छोटा एंगल होगा, ठीक है ना, ये और छोटा हो जाएगा, तो फिर एक स्टेज आएगी जब इतना छोटा एंगल है कि आपको ये दो अलग अलग दिख ही नहीं रहे, आपको ये क्या दिख रहे हैं, उस लेंस से एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सब ब्लर हो गए, ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ये एंगल और छोटा होता जाएगा, तो मिनिमम एंगल जिसके पॉइंट, ठीक है ना, दो सोर्सेस का वो मिनिमम एंगल जिस जो कि आप उन सोर्सेस को अलग अलग देख सकते हैं, वो मिनिमम एंगल ही क्या कहलाता है, वही रिजॉल्विंग पावर होती है, वो जितना छोटा होता है वो एंगल,
जितने कम एंगल्स ऑब्टेन करने वाली चीजों को आप अलग अलग देख सकते हैं, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही इम्प्रूव होती है, ठीक है ना, उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही इम्प्रूव होती जाती है। तो आप ये देखो, एटलीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इमेजेस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द इमेज। तो मैंने कैसे करा है कि मान लो अब ये इसकी भी डिस्क इमेज बनाता है, इसकी भी डिस्क इमेज बनाता है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको वो दोनों डिस्क इमेज अलग अलग कब दिखेंगी, जब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, देखो ये बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, धीरे धीरे मैं इनको अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ तक अलग माना है कि जबकि दोनों के सेंटर की बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, इनकी रेडियस है देखो ऐसी कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मिनिमम उसकी किसके बराबर हो, किसी एक की रेडियस के बराबर हो, इस तरह से भी मतलब इसको भी मान लिया, कोई तो केस लेना ही था बनाने के, ठीक है ना, कि अलग अलग दिखे। तो ये बहुत क्लियरली अलग दिख रही है कि आप ऐसा कह देते भाई कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2R के बराबर, ठीक है, वो भी एक बात हो सकती, ठीक है ना, कि दोनों डिस्क इमेजेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2R के बराबर है, तब तो क्लियरली सेपरेट हो गए। लेकिन फिर भी एक लिमिट बनाने के लिए क्या बोल दिया कि एटलीस्ट दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस एटलीस्ट उनकी रेडियस के बराबर, तो मतलब एक का सेंटर दूसरे के सिरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा हो तो भी आप थोड़ा थोड़ा उनको अलग अलग देख सकते हैं। तो लिमिट लगाने के लिए जैसे डेफिनेशन बना, नहीं बहुत क्लियरिटी तो इस पे आ रही है कि आप सेंटर के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर हो, 2R के बराबर हो, ठीक है, तो आपको दोनों ही अलग अलग दिखे। बट आपने क्या मान लिया कि लेट से एटलीस्ट सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर तो हो जाए, उससे कम में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि नहीं दिख रहा है, तो डेल्टा थीटा मिनिमम कितना हो जाएगा, इसका सेंटर यहाँ बन रहा है, इसका सेंटर यहाँ बन रहा है, बीच की डिस्टेंस कितनी मानी दोनों सेंटर के, रेडियस ऑफ डिस्क इमेज के बराबर, ठीक है। तो तब ऐसा हो जाता है कि दोनों के सेंटर के बीच के, हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो तो फिर ठीक है, बहुत आराम से दिख रहा है, बट जाते जाते थीटा कहाँ तक पहुंच चुका है कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस कहाँ गिर चुकी है, उनकी रेडियस के बराबर हो चुकी है, बस उसके ज्यादा फिर हम ब्लर मान लेंगे उसको, ठीक है। तो डेल्टा थीटा मिनिमम कितना आ जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस लगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो, आर नॉट अपॉन है, आर नॉट का फार्मूला निकाला है आपने, आर नॉट रेडियस 1.22 लैम्डा एफ बाई 1.22 कैपिटल डी। तो बस यहाँ से देखो ये था आपका, तो आर नॉट बाई एफ कितना आ गया, 1.22 लैम्डा बाई कैपिटल डी रेडियन। तो ये रेडियन का यूनिट जरूर याद रखना है कि टेलीस्कोप जिन दो पॉइंट्स को सेपरेट अलग अलग देखेगी उनका जो जिस एंग वो कुछ एंगल बनाएंगे तो मिनिमम एंगल तक जहां तक वो अलग अलग दिख सकते हैं कितना होगा, 1.22 लैम्डा बाई कैपिटल डी रेडियन। कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर को इक्वल टू करके नहीं लिखते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में तो इक्वल टू कर लिया है, वहां भी ऐसी दो डिस्टेंस निकालेंगे अपन दो पॉइंट की, बट जो टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर है प्रोपोर्शनल टू 1/(Δ θ) मिनिमम। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/(Δ θ) मिनिमम, ठीक है। तो ये है बेटा डेल्टा थीटा की, ये बहुत पूछ लेता है कि मिनिमम कितने एंगल को ये टेलीस्कोप सेपरेट कर सकती है जबकि इतनी वेवलेंथ की लाइट है और इतना ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है, तो वहां पर वो एंगल आपको निकालना आना चाहिए 1.22 लेमडा बाई कैपिटल डी रेडियन। ढंग से सुन लेंगे बेटा और पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, नो सर।